कि हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो, मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प पत्र भी उत्तराखंड में प्रस्तुत किया था और विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकार गठन हो गई, नई सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, यानी कि कोई किसी भी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए उत्तराखंड में एक समान कानून की व्यवस्था आप कर दी है। विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और आज जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर आने वाले समय में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वायदा किया गया है भाइयों बहनों। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में एक नया भारत बनने जा रहा है, एक नया भारत, एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगा, जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करने का काम करेगा और पूरी दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने अभी देश के अंदर CAA का कानून लागू कर दिया, नागरिक संशोधन विधेयक देश के अंदर लागू हो गया है और इस कानून के लागू होने से विशेषकर जो लोग जो बड़ी संख्या में आज इन क्षेत्रों में है, हमारे यहाँ उधम सिंह नगर जनपद जो प्रतिमा से शुरू होकर जसपुर तक होता है उस पूरे जनपद में है और इस क्षेत्र के आसपास हम सब जानते हैं, उनको भारत की जो सदस्यता है, भारत की जो नागरिकता है, अब वो आसानी से मिल जाएगी। भाइयों बहनों, उनको भी वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो विस्थापित भाई बहन हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं या अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, उन सभी को नागरिकता मिलने के जो दरवाजे हैं वो दरवाजे खुल गए हैं और दूसरे देशों से जो विस्थापित होकर भारत आने वाले हिंदू परिवार हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगा। उनके जीवन में जो कठिनाइयां थी, उनके जीवन में जो परेशानियां थी, वो सारी की सारी दूर होगी। मुझे विश्वास है कि जल्द ही आप लोगों को भी, जो लोग वहां से आए हैं जिनकी नागरिकता नहीं हो पाई है, उन सबको नागरिकता मिल जाएगी और नागरिकता के मिलने से अनेक जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अपना पक्का घर बना सकेंगे, अन्य प्रकार की सुविधाओं को आप यहाँ पर ले पाएंगे। आज मैं आप सबके बीच में जो हमारे इस क्षेत्र से अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और जिनका एक बड़ा बैकग्राउंड राजनीतिक क्षेत्र का रहा है, एक अच्छा अनुभव है, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े मेहनती हैं और बहुत प्रतिभा उनके अंदर है। आपके क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने, भारत के हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबके बीच में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है श्री जितिन प्रसाद जी, और वो जैसे यहाँ से आप सब लोग उनको सांसद चुनकर भेजेंगे तो इस क्षेत्र की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे जो काम होने हैं उनका वो हमारे बाबूराम पासवान जी के साथ मिलकर इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। मैं आज उन्हीं के लिए आप सबसे उन्हीं के लिए निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप सब लोग उनको अपना मत समर्थन देकर यहां से भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। भाइयों बहनों, आप सबको पता है बांग्लादेश से विस्थापित होकर बड़ी संख्या में लोग यहां रहते हैं, दुर्भाग्य की बात है, और मैं हमारे यहां उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जनपद में बहुत बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग रहते हैं, सब जानते हैं आप सब लोग, और बड़ी विचित्र बात थी, दुर्भाग्य की बात थी कि उनका जब सर्टिफिकेट बनता था, कोई सर्टिफिकेट बनता था, जाति प्रमाण पत्र बनता था, तो उसमें जानते क्या लिखा रहता था, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लिखा जाता था और कई सालों से चल रहा था, कई बार लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किया लेकिन ये हटा नहीं। मैंने जैसे ही मुझे जिम्मेदारी मिली,
मैं मुख्य सेवक के रूप में मैंने दायित्व पर काम करना शुरू किया और दशकों से जो बंगाली समाज के लोग यहाँ रहकर इस मिट्टी की सेवा कर रहे थे, हमने कहा कि ये भेदभाव हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर ये भेदभाव नहीं होगा। और जैसे देश के अन्य नागरिक रहते हैं उनके साथ बिल्कुल उन्हीं उसी तरह का सम्मान उनका भी होना चाहिए। और हमने फैसला लिया कि इनके जाति प्रमाण पत्र में से पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित होकर आए हैं, अब ऐसा नहीं लिखा जाएगा भाइयों बहनों, इसको हमने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही अभी चुनाव आचार संहिता शुरू होने से पहले उधम सिंह नगर जनपद में बहुत बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, हमने विभाजन विभिषिका दिवस 1971 में जब हमारे बांग्लादेश से अनेक लोग विस्थापित होकर आए उनके लिए हमने विभाजन विभिषिका दिवस भी मनाया, उन सबका सम्मान किया, उनका स्मरण किया जो शहीद हुए, जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनके साथ वहां पर मारपीट हुई, तमाम प्रकार के कष्ट उनको मिले, तो भाइयों बहनों उनका सम्मान भी किया, उनका स्मरण भी किया। और मैंने वहां पर एक बंद भवन बनाए जाने की घोषणा भी की है, निकट भविष्य में एक बंद भवन भी वहां बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो नजूल भूमि पर बहुत बड़ी संख्या में वहां हमारे बंगाली समाज के लोग हैं उनको मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। और 2600 लोगों को अभी 2600 लोगों को फ्री होल्ड उनको पट्टे दिए गए हैं, अब वो अपना मकान बना पाएंगे और उसमें कोई शुल्क हमने नहीं लिया, बिल्कुल निःशुल्क। और किसी को भी किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी, सारे के सारे पट्टे हमारे सारे अधिकारियों ने उनको घरों पर जाकर दिए हैं। जो भी औपचारिकताएं करनी थी, जो भी फॉर्म भरवाना था, जहां भी दस्तखत करवाने थे, वो सारे के सारे उनके घरों पर जाके किया है। भाइयों बहनों